नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। वीडियो है लाडनू के बारे में। लाडनू की भौगोलिक, वर्तमान और इतिहास के बारे में हम इसमें बात करेंगे। शुरू करते हैं लाडनू की भौगोलिक स्थितियों से। लाडनू भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले की एक तहसील है। दिल्ली से 380 किलोमीटर, जयपुर से 220 किलोमीटर और नागौर मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह है लाडनू शहर। समुद्र तल से 328 मीटर की ऊंचाई पर है और इन अक्षांश और देशांतरों पर स्थित है। यह दिल्ली रतनगढ़ जोधपुर रेल लाइन तथा सरदार शहर अजमेर हाईवे पर स्थित है। आसपास के स्थानों की बात करें तो उनमें प्रमुखतः है तालछापर, सालासर, डूंगरवाला जी, आसोटा वाला जी, वेंकटेश मंदिर, सुजानगढ़, बाबोलाव धाम, सुजानगढ़ और जसवंतगढ़ है। लाडनू तहसील में 139 से भी ज़्यादा गांव, 32 सरपंच और 100 से भी ज़्यादा पंच हैं। इसकी जनगणना की बात करें तो 2011 के हिसाब से 65,575 लोग यहाँ निवास करते हैं। साक्षरता दर 71.01% है। निम्बी और जसवंतगढ़ यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी वाले दो इलाके हैं। सुजला में लाडनू की एक अनोखी पहचान है। लाडनू में एक पंचायत समिति, एक MLA और एक नगरपालिका है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक SDM कोर्ट भी है। तो बात करते हैं यहाँ की जलवायु की, तो सर्दियों में यहाँ पे 0 डिग्री तापमान भी पहुँचता है तो गर्मियों में यहाँ पे 47 से ऊपर भी जाता है। एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है। एवरेज जो बारिश होती है वो 36.5 सेंटीमीटर और एवरेज नमी की बात करें तो यहाँ पे 51.5% की नमी पूरे साल भर रहती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं लाडनू के इतिहास की। लाडनू का पहला वर्णन मिलता है महाभारत काल में, यानी कि ईसा पूर्व 3000 साल पूर्व के काल में, जिसे गंधर्व वन के नाम से जाना जाता था। और ऋषि भारद्वाज का यहाँ पर आश्रम था जो काली डूंगरी के निकट था, जिसे वर्तमान में चारवास के नाम से जाना जाता है। साथ ही उसके बाद यह नकुल और सहदेव के शासन में रहा। चंदेल पवार ने उसके बाद यहाँ पर शासन किया और इसका नाम पड़ा चंदेरी, जो बहुत ही लाडनू का प्रसिद्ध नाम है। उसके बाद अशोका ने यहाँ पर एक बुद्धा मठ की स्थापना की, जिसके खंडहर आज भी लाडनूगढ़ में मिलते हैं। साथ ही साथ उनके पोते ने यहाँ पर एक जैन मंदिर का निर्माण किया, जिसके अवशेष अभी भी दिगंबर जैन मंदिर में सुरक्षित है। 1457 के बाद से लाडनू जोधपुर रियासत का हिस्सा है और जयपुर रियासत की सीमा पे है। दिगंबर जैन मंदिर में 1229 ईसा पश्चात के शिलालेख, पांडुलिपियाँ, जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ और एक सरस्वती की मूर्ति भी मौजूद है। तो यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात करें तो आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, उमर शाह पीर की दरगाह, करंट बालाजी, आसोटा बालाजी, बाबोलाव धाम और जैन विश्व भारती के साथ साथ आसपास के कई इलाके यहाँ पर फेमस हैं। तो बात करते हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की। लाडनू की हृदयस्थली में बसा, यानी लाडनू के मध्य में बसा बड़ा दिगंबर जैन मंदिर बहुत ही पुराने अवशेष अपने अंदर सजोए हुए हैं। 1229 ईसा पश्चात की शिलालेख, प्राचीन सरस्वती मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है और मंदिर में 10 फीट नीचे भगवान शांतिनाथ की मूर्ति है। आषाढ़ शुक्ल 8 संवत 1136 के शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद है। 1206 संवत के अजीतनाथ की भी मूर्ति यहाँ पर स्थित है, जो द्वितीय तीर्थंकर थे। साथ ही साथ दो पार्श्वनाथ के मूर्तियाँ तथा एक ऋषभनाथ की मूर्ति भी यहाँ पर है। दोस्तों लाडनू की प्रसिद्धता का एक कारण है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती दुनिया का सबसे बेस्ट जैन यूनिवर्सिटी है, जो लाडनू में स्थित है, जिसकी स्थापना आचार्य तुलसी ने की थी और यह दुनिया में मानी जाने वाली एक प्रसिद्ध संस्थान है। बात करते हैं उमर शाह पीर की दरगाह की। तो उमर शाह पीर की दरगाह है 1000 साल पुरानी मानी जाती है, जो हिजरी संवत 772 की अब मानी जाती है। साथ ही साथ चार दरगाह और यहाँ पर स्थित है। 14 मस्जिद है, जिसमें जामी मस्जिद कला से युक्त है। करंट बालाजी मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई थी और माना जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती है।
बगल में ही आसोटा बालाजी और पाबोलाव धाम है। आसोटा बालाजी वही स्थान है जहां पर सालासर बालाजी की मूर्ति निकली थी। सालासर बालाजी के इस उद्गम स्थल पर तीन मूर्तियां निकली थी जो क्रमशः आसोटा बालाजी, पाबोलाव बालाजी और सालासर बालाजी धाम में स्थित है। तेरा पंथ के नवम आचार्य तुलसी 1914 में जन्म हुआ, 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी और इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर इंटीग्रेशन से सम्मानित जैन विश्व भारती की स्थापना करने वाले विश्व प्रसिद्ध जैन संत। इसी के साथ लाडनू का यह वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे हम सुजला वायरल पर, तो सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ। नमस्कार।